हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रॉप्स इन ड्रामा। प्रॉप्स मतलब क्या? जो चीज़ें हम लोग के घर पे अवेलेबल होती है या स्कूल में अवेलेबल होती है उनसे। अभी घर पे बेलन, झाड़ू, स्टिक, ये सब कुछ अवेलेबल होता है। स्कूल में हम लोग के पास स्कूल बैग होती है, डस्टर होता है, और फिर ये सब चीज़ें को ड्रामा में कैसे यूज़ करते हैं, ये आज का टॉपिक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लकड़ी के साथ अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हम कैसे दिखा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ गिटार। सेकेंड वन इज वायलिन। थर्ड वन इज फ्लूट। फोर्थ वन इज पियानो। फिफ्थ वन इज माउथ ऑर्गन। तो अभी एक्शन करने वाले हैं स्टिक के साथ। फर्स्ट इज पैडलिंग मतलब वल्लौना, एंड सेकेंड इज टीचर की एक्टिंग प्लास्टिक के चेयर के साथ और लकड़ी के स्टिक के साथ, जो कि मिस सिखा रही है, ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं। देखा आप लोगों ने स्टिक से कितने सारे यूजेस होते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग चीज़ों का, मीन जो घर पे अवेलेबल होते हैं, उनसे एक कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग ने कैरेक्टर बनाया है विच, विच यानी चेटकिन। तो उसमें हम लोग ने यूज़ किया है एक मम्मी जो कपड़ों पे लगाती है, वो कपड़े सुखाने के लिए वो पेन लगाती है, वो पेन, और फिर एक झाड़ू, टॉवेल, और फिर वो दुपट्टा से हम लोग ने वो उसके जैकेट बनाया है, नीचे स्टूल यूज़ किया है, और एक पेपर की हैट है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं झांसी की रानी, जिसमें हम लोग ने दुपट्टा फेड़े के रूप में यूज़ किया है, स्केल तलवार के रूप में, और ढक्कन ढाल के रूप में। कैसे लगे आपको? कैसी लगी आपको हमारी झांसी की रानी? अच्छी थी ना, और विच भी ना। और जो हम लोग ने पहले किया था स्टिक के यूज़ के साथ, वो भी अच्छा था ना। हाँ, तो अभी आप लोग अपने इमेजिनेशन से कौन सा भी कैरेक्टर, या फिर स्टिक के साथ, या फिर कोई भी घर पे और चीज़ें होंगी उनके साथ एक यूज़ करना, और हम लोग को बताना कि कैसे किया है वीडियो या फोटो सेंड करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।